चलिए अपनी एक और नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, नाम है पायल सोनी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 47 है। पायल सोनी यूपी कानपुर के उरई से है, छोटी सी जगह है उरई कानपुर के पास। और पायल सोनी ने फाइनल ईयर के साथ ही एमसीए में 47 रैंक अचीव किए। तो सबसे पहले पायल, इस बात के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। इस बार इसका एप्रिसिएशन आपको, प्रतीक सर और शिवम सर को है, और साथ में पेरेंट्स को भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल सही बात है पायल, मुझे आज भी याद है कि आप जब 3 लोग भोपाल आए थे तो मैंने एक ही बात बोली थी कि जो अंत तक बना रहेगा उसको सफलता पक्का मिलेगी। और उस समय जब आप भोपाल आए थे तो आपने कॉलेज का किसी तरह से मैनेजमेंट किया और उसके बाद भोपाल में रह के पढ़ाई करी। ये बच्ची ने बीच में सेमेस्टर के लिए कॉलेज वापस भी गई उरई, पर इसमें एक बात थी कि कंसिस्टेंसी के साथ इसने आखिरी तक पढ़ाई की। और मैंने हमेशा देखा है, कई बार ज्वाइन तो कई लोग करते हैं पर एंड तक एफर्ट नहीं मारते, पर इसने अंत तक लड़ाई नहीं छोड़ी और देखो आज आपके सामने उसका रिजल्ट है। तो पायल, मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को बताएं कि कैसे आपने, क्योंकि कई बार जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं और दूसरी सिटी के होते हैं वो निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो सबसे पहले तो ये हिम्मत कैसे जुटाई कि फाइनल ईयर होने के बाद भी आपने भोपाल आए? ये क्लासरूम की स्टूडेंट है पायल हमारी, तो कैसे आए और फिर किस ढंग से मैनेजमेंट किया? जी सर, जब मैंने सबसे पहले तो आपके YouTube पर ही वीडियो देखे थे, तो ऐसा तो पता नहीं था कि कहाँ कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर ले। तो पहले आपके सबसे पहले YouTube पर वीडियो देखे थे तो उसमें मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आया, तो सोचा कि भले ही भोपाल दूर सही लेकिन जब इतने अच्छे से समझ में आ रहा है सर का तो जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर हमारे क्लास के, आपको याद हो हम 3 स्टूडेंट थे, उसमें से 2 लोगों ने, उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, उन्होंने छोड़ दिया, उनको डिमोटिवेटेड हो गया। लेकिन मैंने सोचा मैं लास्ट तक जरूर करूंगी और मेहनत करती रही। तो फिर मुझे खुद में भी यकीन लगा कि मेरी टॉप रैंक ना चाहिए लेकिन इतने काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कि मुझे NIT मिल जाएगा कॉलेज, कोई टॉप 3 कॉलेज में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ऐसा खुद में शायद मोटिवेशन भी आ गया प्रैक्टिस करते करते। और फिर पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने बोला भले भोपाल दूर हो, पढ़ रही हो तो चली जाओ, दूरी से क्या होता है, भेज दिया उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और जो अभी वर्ड आपने बोला, आपने देखा होगा मैं हमेशा स्टूडेंट को आने के बाद बोलता ना, ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, अंत तक बने रहना इम्पोर्टेंट है। तो जो आप 3 लोग आए थे उसमें 3 लोगों में से केवल आप थी जो आखिरी तक लड़ाई करती रही, रिजल्ट भी आया। कुछ लोगों ने बहुत जल्दी, क्योंकि क्या होता है किसी भी एग्जाम के लिए बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलता। और मेहनत केवल ऐसा नहीं होता कुछ समय की, मेहनत का मतलब होता है जब तक मेहनत करना जब तक कि एंड रिजल्ट ना मिल जाए और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि आपने भोपाल आके क्लास ज्वाइन कर ली थी तो आप रेगुलर स्टूडेंट थे कॉलेज के, तो आपने कॉलेज के सिलेबस को कैसे मैनेज किया और साथ में एमसीए की पढ़ाई कैसे की? सर थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे सेशन लेते थे तो दिन भर तो कोचिंग में निमसेट के लिए प्रिपरेशन हो जाती थी, फिर मैं कोचिंग में रात को 8 बजे तक नहीं रुकती थी, शाम को 6 बजे तक चली जाती थी मैक्सिमम। फिर रात को जाकर जब एग्जाम आने वाले थे, काफी टाइम पास आ रहा था कॉलेज के एग्जाम का, थोड़ा थोड़ा वहां से टाइम सेव करके पढ़ लेती थी। तो दिन भर निमसेट का पढ़ती थी, रात को थोड़ा बहुत कॉलेज का। तो कॉलेज के आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आया? नहीं, उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। बस ये है कि लास्ट टाइम तक अब वेट ना करें कि कॉलेज के एग्जाम आने, तो बिल्कुल लास्ट जाकर पढ़ाई करें, थोड़ा थोड़ा करते रहें तो वो बहुत ज्यादा उसमें वर्डन नहीं आता लास्ट के टाइम। बिल्कुल सही बात है पायल, मैं यही चाहता था कि आप जूनियर को बताएं। कई बच्चे ये सोच के रुक जाते हैं कि फाइनल ईयर है, मैनेजमेंट कैसे होगा, या फाइनल की पढ़ाई के साथ नहीं करेंगे, पर हमने देखा इम्पीटस में चाहे बच्चा फाइनल में आए चाहे ड्रॉप लेके आए, वो अगर लगातार 6-8 महीने 1 साल मेहनत कर ले तो उसका एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है, और वो आपने प्रूव भी किया। अच्छा, आप एक छोटी सी जगह उरई कानपुर के पास जगह, वहां से हैं, तो अब कैसा लग रहा है सराउंडिंग में? क्योंकि जब हम कहीं छोटी जगह पे होते हैं तो बहुत जल्दी से न्यूज फैल जाती है और जो लोग आपको कभी ऐसे ही देखते थे वो आज आपको बहुत डिफरेंट व्यू में देखने लगे हैं, तो कैसा फील होता है और क्या आपको अपनी फैमिली से, रिलेटिव से क्या क्या मैसेज मिले? हाँ सर, जैसे अभी तो दिवाली थी तो बहुत सारे रिलेटिव्स घर पर आए, काफी लोगों के कॉल्स भी आए, तो सब बहुत खुश थे, तो सबको बहुत प्राउड फील हुआ। फैमिली में मम्मी पापा, उन सबको भी बहुत प्राउड फील हुआ कि काफी अच्छे मार्क्स आ गए और इतनी छोटी जगह से है। और सबसे मोस्टली गर्ल है, गर्ल को इतना ज्यादा लोग बाहर नहीं भेजते, इतना दूर, जैसे भोपाल काफी दूर है यहाँ से, तो गर्ल्स को इतना अलाउ नहीं करते। और फिर लेकिन पेरेंट्स ने भेजा, भरोसा किया, तो उन्हें लगता है कि अगर भरोसा किया तो उसका रिजल्ट भी आ गया उतना अच्छा, तो सभी बहुत खुश है। चलो अच्छी बात है, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं असली दिवाली जिसे कहते हैं वो आपकी मन गई और हाँ सर, मुझे बहुत खुशी है। बेस्ट दिवाली। हाँ तो आपके जब आप कॉलेज में गए होंगे ये रिजल्ट आने के बाद या कॉलेज के बच्चे मिले होंगे आपको, क्योंकि कई बार जब हम निकलते हैं ना तो लोग इतना सोचते नहीं है ना। और बिल्कुल सही बात बोला कि गर्ल्स को और स्मॉल प्लेस से होने के बाद भेजने में थोड़ा सा पेरेंट्स डरते हैं, पर आपके पेरेंट्स ने हिम्मत दिखाई। इनफैक्ट आपके मम्मी पापा दोनों आए थे, मैं कभी कुछ भूलता नहीं हूँ। वही तो, हाँ मेरे मम्मी पापा बोलते थे कानपुर की कोचिंग ज्वाइन कर लो वो तो पास में है, तो लेकिन मैंने बोला कानपुर में मुझे मजा नहीं आ रहा, सर का ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा। भोपाल भले ही दूर हो लेकिन भेज दो, मुझे सर का ज्यादा अच्छा समझ में आता है। वो तो देखो सबका अपना अपना, मेरा ये मानना है कि जिससे फ्रीक्वेंसी सब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं अच्छे से, बस जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए उससे पढ़ना चाहिए, उसमें कोई ये बहुत मैटर नहीं करता। तो चलो पायल बहुत अच्छा लगा मुझे, आप अपने आप जूनियर को भी मोटिवेट करिए क्योंकि आपके एक निकलने से आगे बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं। तो आप जिस जगह से हो अपने कॉलेज में अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करिए कि समय रह के पढ़ाई करें और एक बार अगर डिसीजन ले लें लाइफ में तो कभी भी चेंज ना करें। उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो आप, ये चीज ये मैसेज सबको दीजिए। और अभी तो आपको त्रिची जाना है और त्रिची जाना एक स्टार्ट है, उसके बाद वहां जाके भी अच्छा परफॉर्म करना है और आगे भी बहुत मेहनत करना है। अब आप कोई लास्ट अपने जूनियर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। और साथ में मैं चाहूंगा कि उरई के बच्चे जो हैं या सराउंडिंग के जो बच्चे हैं या छोटे विलेजेस से होते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि जब वो आप दिखे आपको वो सुनेंगे तो आप उनके लिए एक तरह से रोल मॉडल्स हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? उनके लिए तो सर बस यही कि हिम्मत करो, खुद में सेल्फ मोटिवेटेड रहो, कि ये खुद को ये यकीन दिलाओ कि हम कर सकते हैं। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो तो बात की बात है। आप अपने एफर्ट तो लगाओ, एक बार के आप ट्राई करोगे तो फिर डेफिनेटली होगा सर। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेहनत ना करें तो वो फिर आपका उसका रिजल्ट ना मिले। आप एक बार ट्राई करो, फिर वो तो बात की बात है आपका रिजल्ट फेवर में नहीं आता है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर कोई मेहनत करेगा अपना 100% देगा तो फिर उसको रिजल्ट ना मिले। और सर जूनियर को एक बात बोलूंगी कि जो लोग मतलब जिनको लगता है कि वो उनमें मोटिवेटेड नहीं है, डिमोटिवेटेड होते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बुक सॉल्व करने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर रख देते हैं कि अरे नहीं बन रहा छोड़ो ये। तो ऐसा मत करो, अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो आपका मन नहीं लगेगा, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे उस टाइम के लिए छोड़ दो, जब आप दोबारा वो टॉपिक सॉल्व करेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो इसलिए अगर ना बने तो ये डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप उस टाइम छोड़ दीजिए, बाद में आप दोबारा जब वो टॉपिक सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा डेफिनेटली। और आप अगर अपने एक जैसे नोट बना लें, डेली के गोल्स लिखें कि आज मुझे ये टॉपिक करना है सॉल्व, डेली बाय डेली वीकली आप उसे डिवाइड करके लिखेंगे और फिर जब आप रात को देखेंगे कि आपका इतना डेली का गोल कंप्लीट हो गया तो आप में खुद में सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। वेरी गुड पायल, आपने काफी अच्छी बात बोली, मैंने भी फॉलो किया है। हाँ, ये बात तो मैंने भी फॉलो की तो मुझे लगा ये काफी इफेक्टिव है तो बतानी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली पायल, मैं सेशन एंड कर रहा था पर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। कई बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो उनके स्कोर अच्छे नहीं आते, आपने भी बहुत टेस्ट दिए और कई बार टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आए, और अक्सर ये होता है जब टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आते तो ही बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये मैसेज जरूर दें। और एक और बात बहुत अच्छी बोली, ये हर बच्चे के लिए सुनना जरूरी है कि हर दिन का एक टारगेट सेट करें और रात को सोने से पहले देखें कि टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। अगर टारगेट अचीव हुआ या उससे ज्यादा करते हैं तो हमेशा हमें खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, इसलिए सेशन एंड के पहले मैं चाहूंगा कि अगर टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आता था तो ऑब्वियसली टेंशन होती, प्रेशर होती, मन में कई थॉट आते हैं, पर उसके बाद आपका खुद का व्यू क्या होता था? कभी कभी जैसे मैं सोचती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता सब कुछ है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, सारा थ्योरी अच्छे से याद है, सारे फॉर्मूले अच्छे से माइंड में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो वो अटेम्प्ट कम रह जाते थे, उस वजह से स्कोर थोड़ा सा डाउन होता था। तो फिर उसमें सोचा कि इस चीज में ध्यान देना है कि कहाँ से टाइम सेव करें और एक्यूरेसी पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे इतना खुद में यकीन हो गया था कि मुझे आने लगा है सब कुछ, कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में है, बस टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के टाइम, कब कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और कौन सा ड्रॉप करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो वो उस पर वर्क किया तो फिर धीरे धीरे स्कोर अच्छा होने लगा था। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब सुबह से लेकर रात के सोने तक का क्या रूटीन था, ये भी जूनियर जानना चाहेंगे, बच्चे जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर वो अपने रोल मॉडल को या सक्सेसफुल स्टूडेंट के ही टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और ऑब्वियसली उससे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो मैंने तो सर एक डायरी बना रखी थी, उसमें मैं मंथली, जैसे अब कोचिंग में तो टाइम टेबल काफी बार चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करती रहती हूँ थोड़ा बहुत कि मुझे सुबह सुबह फर्स्ट सेशन में क्या करना है, फिर क्लासेस होती थी, फिर सेकंड सेशन के अकॉर्डिंग ऐसे करती थी। ओके। सुबह से सबसे पहले एक सेशन होता था 8 बजे से, तो उस रीजनिंग स्टार्ट से ओके सेशन बाय सेशन डिवाइड कर रखे थे। थैंक यू पायल, बहुत अच्छा लगा बात करके, जूनियर्स को भी आपको सुन के अच्छा लगेगा। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें, खुश रहें, और आपको और आपके मम्मी पापा, घर वालों को, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थैंक यू एंड सेम टू यू सर।